यार दोस्तों, इस दुनिया में जो भी आया है उसने कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। तथा इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के भी कुछ काम है जो कि एचआर मैनेजर को करने हैं। जैसे मैं अपने काम बताता हूँ कि मुझे अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे डालना है, अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसके लिए मुझे एक कैमरा चाहिए, उसको स्टेबल करना, उसके बाद जो कंटेंट्स, जो एजुकेशनल कंटेंट्स हैं उसकी स्क्रिप्ट को बनाना, तथा उसके बाद जो मैंने बोलना है उसको एक बार दोहराना, ऐसे बहुत सारे काम स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जो थंबनेल बनेगी उसकी डिजाइनिंग, इसके बाद जो उसकी ट्रांसलेशन बनेगी उसको लिखना, ऐसे बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए। ऐसे ही एचआर जो मैनेजर है उसको भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं अगर वो इस पोस्ट पे है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वो देखो मेन काम क्या करेंगे, सबसे पहले है प्लानिंग, सेकंड स्टाफिंग, थर्ड डेवलपमेंट, फोर्थ मेंटेनेंस। अब फर्स्ट काम के ऊपर हम स्ट्रेस देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा, जॉब एनालिसिस करेगा, एनालिसिस एनालिसिस करेगा कि वो देखेगा कि जो डिफरेंट क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक करेगा, कितने डिपार्टमेंट्स में कितने एम्प्लॉय चाहिए हैं, नीड ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक, तो वो चेक करेगा व्हाट व्हेन हाउ, इस तरह की प्लानिंग आएगा। ठीक, क्या नीड है, कब एम्प्लाई चाहिए, कैसे उन्हें अपॉइंट करना है। तो जब प्लान अच्छा बन जाएगा तो स्टाफिंग का काम शुरू होगा, उसमें वो रिक्रूटमेंट करेगा, न्यूज़पेपर में एड्स देगा, डिफरेंट एक्स एम्प्लॉयज हैं उनको सपोर्ट करेगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट हो सकते हैं, इंटरव्यू हो सकता है, उसके बाद बेस्ट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करेगा। यह एचआर डिपार्टमेंट का काम है। अब उसकी डेवलपमेंट है, कोई भी एम्प्लॉय आया सबसे पहले फ्रेशर ट्रेनिंग होगी, फ्रेशर्स ट्रेनिंग। उसके बाद धीरे धीरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाएगा कि आप यह कोर्स कर लीजिए, यह डिग्री प्राप्त कर लीजिए, ऐसे आपकी डेवलपमेंट होगी। या यह जो कोर्स है जो कंपनी ने ऑफर किया है उसको करने से आपकी प्रमोशन होगी। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज 1 मिनट, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम होगा मेंटेनेंस। देखिए मेंटेनेंस करना बहुत आवश्यक है, मेंटेनेंस के लिए अलग अलग काम हो सकते हैं। फर्स्ट अगर परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना है कि कितनी परफॉर्मेंस है आई है, तो उसके लिए रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि कौन सा एम्प्लाई क्या काम करता है, उसने क्या क्या काम किए। जैसे मैंने भी रिकॉर्ड्स रखा हुआ है, मेरे पास यह रिकॉर्ड्स है जिसमें जो एम्प्लाई बहाने लगाते हैं उसके रिकॉर्ड्स को रखता हूँ और उसकी परफॉर्मेंस देखता हूँ कि इसको प्रमोशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए।
तो जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, सिंपल सी है, छोटे छोटे बहाने होते हैं, आज बरसात हो रही है, एम्प्लाइज कहते हैं आज बरसात हो रही है, तो हम उसके ऊपर टिक लगाते हैं, छाता ले लो भाई, सैलरी दिया तो छाता ले लो, मुझे चाचा जी की फसल काटनी है, भैया उसका ही बिजनेस संभाल लो, यहाँ बिजनेस में क्यों आते हो, सैलरी के लिए क्यों आते हो। तो ऐसे ऐसे एक और है, मुझे आज अपने रिलेटिव के पास जाना है, तो हर तरह के एम्प्लॉयज का जो भी वो बहाने लगाता है, जो भी कुछ करता है, उसका एक और रखा जाता है, उस बेस पे उसकी मेंटेनेंस की जाती है, ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है, परंतु उसकी वेलफेयर का भी एम होता है, ये नहीं है कि सिर्फ उसकी सैलरी कम ही रखनी है, वेलफेयर के मीन्स अभी मैंने कुछ एम्प्लॉयज को दिवाली का बोनस दिया, उसके बाद कुछ और बोनस दिया, कंपनी ने अच्छी तरक्की की मैंने उसको और अवार्ड दिया, तो ये सभी वेलफेयर होंगे किस बेस पे, ये होंगे रिकॉर्ड्स बेस पे, कैसे उसकी परफॉर्मेंस रही, तो यह सब मेंटेनेंस में रहता है। तो यह चार काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है, प्लानिंग एम्प्लॉयज की, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, स्टाफिंग उनको अलग अलग रिसोर्स से ले लेना, बेस्ट एम्प्लॉयज उनकी डेवलपमेंट करना, उनकी मेंटेनेंस करना। देखो मेंटेनेंस सिर्फ वैसे ही होती है जैसे कोई मशीन खरीदी उसके बाद उसकी मेंटेनेंस चाहिए, उसमें तेल लगाएंगे, ऐसे ही एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम उसको प्रमोशन की जानी चाहिए। तो ये चार काम हैं जो हर एक एचआर मैनेजर को सीखने चाहिए।